हेलो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट की इस सीरीज में एक वीडियो हमने पहले ही बनाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको देखने से फायदा सिर्फ इतना ही होगा कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका एक कड़ी जो है वो टूट नहीं जाए। अगर टूट जाएगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है शायद समझने में। अभी तो नहीं होगी, आगे जाकर शायद समझने में दिक्कत हो जाए। नाउ, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है सोर्सेस ऑफ राइज ऑफ पेट्रोटिज्म इन इंडिया। पेट्रोटिज्म, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि अचानक से कुछ भी नहीं होता है, हमारी कंट्री में भी पेट्रोटिज्म अचानक से नहीं आई। नेशनलिज्म या पेट्रोटिज्म दोनों ही कह लीजिए, इसके एटिमोलॉजिकल डिफरेंसेस में मैं नहीं जा रहा हूँ, अपने काम का भी नहीं है। सिर्फ इतना समझिए कि कंट्री से रिलेटेड कुछ बातें अब हमारी कंसर्न हो गई है। पहले क्या था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन था, अब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, अब कुछ डिमांड और बदलने वाला है। ये डिमांड एक दिन में नहीं बदला है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक फेज बदलेगा। हम उन फेजेस पे आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हमारे आगे के लेक्चर्स में जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे वो आ जाएंगे। आज क्या ये है कि शुरुआत कैसे होती है पेट्रोटिज्म की और उसके कुछ सोर्स क्या क्या थे, इसके कॉजेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सोर्स की अगर बात करें तो हम लोगों ने पिछले दिन कहा था कि डिफरेंट सोर्सेस थे इसके। एक बहुत बड़ा सोर्स था लिटरेचर एंड पोएम। लिटरेचर एंड पोएम में, लिटरेचर में हम बेसिकली बुक्स की बात कर रहे हैं, या ज्यादा बेटर होगा कि अगर हम बुक्स एंड पोइम्स दोनों को मिलाकर बात करें। तो नेशनलिज्म की जो ललच, जो चाहत, जो अवेयरनेस सबसे पहले उभरती है, उसमें सबसे बड़ा किरदार निभाते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर। बंगाली लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल रहता है, या बोल सकते हैं कि शायद सबसे पहला रोल रहता है बंगाली लिटरेचर का। इसमें सबसे बड़ा नाम आनंद मठ का उठ कर आता है। खैर, आनंद मठकर जाने से पहले हम कुछ और कैरेक्टर्स थे जो जिन लोगों ने और इसमें अपना किरदार निभाया था, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला नाम इसमें आपको मिलेगा ईश्वर चंद विद्यासागर का। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर ने डायरेक्ट तो पेट्रोटिज्म पे कोई किताब नहीं लिखी या उनका बहुत बड़ा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि उनके लिए जो मदरलैंड है, ठीक है ना, ये जो जमीन है हमारी जिसको हम लोग माँ कहते हैं, ये मातृभूमि जो है, ये इंद्र, भगवान इंद्र की आम्रवती से ज्यादा मुकद्दस, ज्यादा पवित्र है, ज्यादा महान है। अब देखिए, किसी के लिए जो देवी देवता है ना, मजहब, वो बहुत बड़ी चीज होती है। मजहब के नाम पर लोग मरने मारने पे तैयार होते हैं। हमारी इंडियन हिस्ट्री में कईयों की पॉलिटिक्स मजहब के नाम पे चलती है, पहले भी चली है, आज भी चल रही है, क्या पता कब तक चलेगी। फिर मजहब का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है लोगों की अपने अपने उल्लुओं को सीधा करने में। तो सोचिए कि अगर आप उस मजहब में जिसमें आप इंद्र जैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं और उनकी कोई एक आम्रवती है, उनको छोटा समझ रहे हैं और अपनी मदरलैंड को उनसे भी ऊपर समझ रहे हैं। आम्रवती अपने आप में बहुत ऑनरेबल है, तो मदरलैंड कितनी ज्यादा ऑनरेबल की। जस्ट एक कंपैरिजन करके पेट्रोटिज्म की ललच बढ़ा दी गई थी, या पेट्रोटिज्म का एक नया परिभाषा दिया गया था, एक नया डेफिनेशन दिया गया था ईश्वर चंद विद्यासागर। तो दूसरा नाम, ये मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, हालांकि ऐसा कोई जरूरी है नहीं, फिर भी मैं लिख ही दे रहा हूँ। इन्होंने कहा था, टू मी टू मी मदरलैंड इज फार सुपीरियर देन आम्रवती ऑफ इंद्र। इंद्र एक भगवान है उनकी। जो दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है वो है माइकल मधुसूदन दत्ता, MICHEL, माइकल मधुसूदन दत्ता। इनके बारे में आगे जाके फिर से हम पढ़ेंगे एक बार, जब इंडिगो रिवॉल्ट होगा, जब नील दर्पण की बुक लिखी जाएगी उस सिलसिले में। बट अभी हम सिर्फ बोल रहे हैं कि इस पैट्रोटिज्म पे क्या बात चली थी। वो माइकल मधुसूदन दत्ता ने मदरलैंड के पैट्रोटिज्म को बढ़ाने के लिए दो बुक्स बहुत बड़ी लिखी थी। एक का नाम था मेघनाथ बध, ये बुक 1860 में पब्लिश हुई थी। दूसरी एक बुक थी, एक बुक तो ये थी, दूसरी एक बुक थी बुरो शालिकेर घोरे रोन, पूरो शालिकेर
रॉन्ग। ना ये दो बुक्स स्पेशली मेघनाथ बध, ये दो बुक्स के जरिए माइकल मधुसूदन दत्ता ने पैट्रियटिज्म की एक अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी लोगों में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ या अपनी जमीन के लिए जो मोहब्बत है वो पैदा करने की कोशिश की थी। इसने कहा था कि मेघनाथ बध में एक एक स्टेटमेंट था कि कौन वो है जो मरने से डरता है, वो जो मरने से डरता है वो एक बुजदिल है। चलिए हम ऐसे बुजदिल लोगों पे 100 नहीं 1000 बार जो है लानत भेजे। मैं उसका एक ट्रांसलेशन वर्जन बता रहा हूँ, इसका इंग्लिश वर्जन मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, अपने काम का है नहीं। समझिए कि वो क्या कर रहा है, वो सेंटिमेंट्स को टच करने की कोशिश कर रहा है कि जो कंट्री से मोहब्बत नहीं कर रहा या कंट्री के बेहतरी के लिए जो अपना किरदार निभाना नहीं चाह रहा, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना चाह रहा है, वो असल में बुजदिल है। और ऐसे बुजदिल में हम लानत भेजते हैं। जस्ट इमोशनल टाइप की चीजें हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और ये इमोशनल चीजें आगे जाकर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कुछ और राइटर्स हैं जो सिनेरियो में आगे जाकर और अपनी नज्मों के जरिए, अपने पोएम्स के जरिए पैट्रियटिज्म को बढ़ाते हैं। उन ऐसे कुछ पोएम्स का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। हेमचंद्र बंदोपाध्याय की एक पद्मी पद्मनी उपाख्यम थी, नवीन चंद्र सेन की रायबक कुरुक्षेत्र, रंगलाल बंदोपाध्याय की कर्मा देवी। ये सारे बुक्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल नहीं है, या पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल नहीं है, जस्ट मैं कंटिन्यूटी मेंटेन के लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइकल मधुसूदन दत्ता या ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ही कुछ कहा था, और भी बहुत सारे पोइट्स थे, ये सारे बंगाली के पोइट्स थे। इन लोगों ने अपना अपने पोएम्स के जरिए, अपने आर्ट के जरिए लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की कि अपनी जमीन की तरफ आइए, अपने मुल्क की तरफ सोचिए, जो लोग हमारे पे है वो हम पे रूल कर रहे हैं, हमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे कि एक और नाम जो आता है सबसे बड़ा, अगर उसके बारे में हम पढ़े तो वो नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी, जो भी आप नाम समझ लें, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने एक बुक लिखी थी आनंद मठ, आनंद मठ, ये बुक लिखी गई थी 1882 में। इस बुक एक्चुअली मदरलैंड को इन्होंने इस बुक के जरिए, एक्चुअली एक ड्रामा था, इस नॉवेल था सॉरी, इस नॉवेल के जरिए मदरलैंड और मदर में एक रिलेशन कायम करने की कोशिश की थी और कामयाब रहे थे। मदर को उन्होंने कहा कि मदरलैंड जो है वो मदर है, और इस मदरलैंड से जो मोहब्बत है, पैट्रियटिज्म है, वही असल में एक रिलीजन है, एक धर्म की तरह बना दिया गया। और आगे जाके हम पढ़ेंगे अनुशीलन समिति वगैरह में इस बुक का क्या अपना एक किरदार रहता है, एक धर्म से कम नहीं था। आनंद मठ को धर्म बनाने में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चीज और याद रखिएगा कि आनंद मठ का जो मेन सोर्स था वो था सन्यासी मूवमेंट। आनंद मठ जो बुक लिखी गई थी वो सन्यासी मूवमेंट के ऊपर लिखी गई थी। आनंद मठ में दो बड़े नोटेबल कैरेक्टर्स थे, एक वो जो कंट्री के लिए काम करते हैं और दूसरा जो कंट्री के अगेंस्ट में, जो हमारे ऊपर जाती कर रहा है। ठीक है, तो एक हीरो होगा और एक विलन होगा। इस विलन का नाम है मिस्टर रॉग। इस हीरो का नाम है सत्यानंद, मेन कैरेक्टर ऑफ आनंदमठ। अब ये सत्यानंद जो हीरो है ना, ये हीरो दो तरह के बनेंगे। इन्होंने कैटेगोरिकली बोला कि वो जो धर्म है मदरलैंड से मोहब्बत, इसमें सिर्फ दो तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक है संतान और एक है सन्यासी। इन दोनों का सोर्स ये है, संतान वो है जो इस कंट्री में रहते हैं, सन्यासी वो है जो इस कंट्री के लिए सारी मोह माया को छोड़ दे रहे हैं, अपना सुख चैन सब कुछ छोड़ रहे हैं, सन्यास ले रहे हैं, शादी ब्याह सब कुछ छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। और इन सब का टारगेट मेन क्या होना चाहिए, या इन सब की मंजिल क्या है, फ्रीडम फाइटिंग, फ्रीडम फाइटिंग, फ्रीडम फाइटिंग मतलब ब्रिटिश आजादी। तो देखिए, जब ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया था तो कुछ अच्छे दिन के वादे किए गए थे कि अच्छे दिन आएंगे, सब कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलता है। तो कहा गया कि जो ब्रिटिश है ना, इनमें ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ईस्ट इंडिया कंपनी या किसी और एंटिटी में नहीं है, ये ब्रिटिश जो पूरा एक एक ग्रुप है ना ब्रिटिश, इनमें ही प्रॉब्लम है, इनको निकाला जाए। इनको निकालने के लिए उन्होंने जो ड्रामा का सहारा लिया था, इस जो हम ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट पढ़ेंगे आगे, आज ही पढ़ेंगे, इसमें हम जो पढ़ेंगे कि कैसे थिएटर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया। जस्ट मैं उसकी एक ग्लिम्स यहाँ बता रहा हूँ कि ईश्वरचंद विद्यासागर एक बार
आनंद मठ का ड्रामा देखने गए थे, और इस ड्रामा में अर्धेंदु शेखर मुस्तफी बोल के एक एक्टर थे जो एक इंडियन गरीब का किरदार निभा रहे थे, मिस्टर रॉग सॉरी मिस्टर रॉक का किरदार निभा रहे थे, मिस्टर मुस्तफी जो थे मिस्टर रॉक बने हुए थे, और ये किसी पे एट्रोसिटी कर रहे थे ऑन द स्टेज, इट वॉज जस्ट मेयरली एन एक्टिंग। लेकिन ईश्वर चंद विद्यासागर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि चप्पल निकालकर स्टेज पे इस एक्टर को उनकी तरफ चला दिया। तो देखिए ये पैट्रियटिज्म यही है कि आपके जो हमसाया है, आपके अपने लोग है, उस पर अगर जुल्म हो रही है, ज्यादती हो रही है, तो आपको उसको देखकर बुरा लग रहा है, उसके अगेंस्ट में आपको एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि ये जाति को खत्म की जाए, ये एट्रोसिटी एक्सप्लॉयटेशन ये सारी चीजों को खत्म किया जाए। तो आनंद मठ का मेन टारगेट ये था कि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करें अपनी कंट्री के लिए और अगेंस्ट द ब्रिटिश। आई होप ये समझ में आया होगा। इसी आनंद मठ में एक बहुत ही खूबसूरत एक गाना लिखा गया था, इसी आनंद मठ में था, उस गाने का नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम संस्कृत में इसका मतलब होता है कि हम जमीन जो है उसको माँ की तरह समझ रहे, एक देवी समझ रहे, उसके आगे झुक रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। मे भी मेरा नैरेटिव अलग हो सकता है, लेकिन ले देखे कॉन्टेक्स्ट यही था कि हम जमीन को जो है, ये मातृभूमि जो है अपनी, हमारी मदरलैंड, इसको एक देवी की तरह पूज रहे हैं। और ये वंदे मातरम एक माउथ ऑर्गन की तरह काम करता है टिल इंडिपेंडेंस, इवन आज भी आप ये स्लोगन सुन पाते हैं। तो ये वंदे मातरम एक बहुत बड़ा सोर्स था पेट्रोटिज्म के लिए। 1882 से जो शुरू होता है इस स्लोगन का यूज, आगे जाकर 1947 तक चलता है, उसके बाद भी रहता है। और भी ऐसे दो तीन स्लोगन आपको मिलेंगे, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, एक सारे जहां से अच्छा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये सारे स्लोगन एक्चुअली ये जस्ट स्लोगन नहीं थे, स्लोगन के साथ कुछ तो नज्मों का हिस्सा था, कुछ पोएम्स का हिस्सा था, लेकिन ये सब माउथ ऑर्गन बनकर रहे। हर दौर में हर वक्त में इन लोगों ने पैट्रियटिज्म के लिए या रेवोल्यूशन के लिए खासकर इस्तेमाल किया। जब बात उठती है इनकलाब जिंदाबाद की, तो यहां पे मैं इसके बारे में बोलता चलूं, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद का मतलब होता है हमेशा रहना, इनकलाब कल्ब मतलब होता है दिल, दिल के अंदर जो एक आग जली हुई है जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन, वो जो रेवोल्यूशन हमारे जुनून में पैदा हुआ है वो हमेशा जिंदा रहे। ये स्लोगन सबसे पहले हजरत मोहानी ने दिया था। अच्छा, इस इनकलाब जिंदाबाद को हजरत मोहानी के देने के बाद इसको पॉपुलराइज कौन किया, ये एक्चुअली ही हैज कॉइंड द स्लोगन। इसको पॉपुलराइज कौन किया, इसको पॉपुलराइज किया था भगत सिंह ने। हमारे WBCS के एग्जाम में ये बहुत बड़ा एक अनफॉर्चुनेट क्या बोलेंगे, अनफॉर्चुनेटनेस ही है हमारा कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन में ही हजरत मोहानी का नाम नहीं होता है। तो हम उसी हिसाब से समझेंगे, अगर इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने कॉइन किया, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हमारा आंसर होगा एज पर ऑप्शन भगत सिंह, अदरवाइज हमारा आंसर है हजरत मोहानी। दूसरा एक और था कि सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है। ठीक है, ये जो स्लोगन था ये एक्चुअली एक पोएम था, इस पोएम के राइटर थे, उसका नाम था बिस्मिल अजीम आबादी, बिस्मिल अजीम आबादी, ही वॉज द पोएट, ही वॉज द एक्चुअल पोएट जिन्होंने ये लिखा था ना। इसको पॉपुलराइज किसने किया, इसको पॉपुलराइज किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। काकोरी रॉबरी जो हुआ था उसमें इनको सजा दी गई थी अलोंग विद अशफाकुल्ला खान, तो राम प्रसाद बिस्मिल। अब देखिए ये दोनों ही इम्पोर्टेंट इसलिए कि ऑलरेडी इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ एग्जाम में तो जो जिनका नाम होना चाहिए पोएट या कॉइन जो एक्चुअली हजरत मोहानी है वही ऑप्शन था। मैक्सिमम एग्जाम में इनकलाब जिंदाबाद के साथ भगत सिंह का नाम आया है और सरफरोशी की तमन्ना के साथ राम प्रसाद बिस्मिल का आया। ये दो ऐसे और स्लोगन्स थे, जैसे आनंद मठ में वंदे मातरम हमने पढ़ा, इनका भी रुतबा मोर और लेस वैसा ही था। इन भले वो एक धर्म की तरह माना गया था लेकिन वो किसी
पर्टिकुलर किसी धर्म के लोग उसको उस नारे को यूज कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये नारे कास्ट, क्रीड, अदर टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ रेसिज्म, इससे उभर कर पूरी सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए यूज किया गया, एक कम्युनिटी के लोगों ने यूज किया। उस कम्युनिटी का नाम था इंडियन, हिंदुस्तानी। उस वक्त तो इंडिया बनी नहीं थी, उस वक्त हिंदुस्तान ही था। तो हिंदुस्तानियों ने अपने लिए इसका इस्तेमाल किया था अपनी लड़ाई को एक जुनून पैदा करने के लिए। ये चीजें थी बुक्स और राइटर्स का। दूसरा जो किरदार इसमें आता है वो है हिंदी का। अब देखिए, एक्चुअली यहां पे अगर मैं किसी को कनेक्ट कर दूं तो ये असल में है, ये उर्दू राइटर्स का है। उर्दू राइटर्स में दो नाम आपको और पढ़ने मिलेगा, एक और है सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, इनके राइटर का नाम था तराना हिंदी, इस नज्म का नाम है प्रोबेबली, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। इनके राइटर का नाम था मोहम्मद इकबाल। ये वही इकबाल है जिनके नाम के साथ आपको टू नेशन थ्योरी का एक मिसकंसेप्शन जोड़ा जाता है, बट बहरहाल वो जब वहां पहुंचेंगे तो उस पर क्लियरिटी की जाएगी कि टू नेशन थ्योरी इकबाल का था या नहीं था, या जो भी चीजें थी। इस वक्त सिर्फ इतना है कि लिटरेचर में जो कुछ चीजें पेट्रोटिज्म को बढ़ावा देने वाली थी वो इन्हीं के जरिए दिखी थी। और भी बहुत सारे पोइम्स इकबाल ने लिखी थी, लेकिन जो सबसे पॉपुलर रही इस कॉन्टेक्स्ट में वो था सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। होपफुली आप लोगों ने सुना भी होगा। और एक जो लैंग्वेज, लैंग्वेज तो वैसे हर लैंग्वेज में के पोएट्स ने और राइटर्स ने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, गुजराती भी थे, उड़िया भी थे, साउथ के भी कुछ थे, लेकिन हम लोग सिर्फ तीन नोटेबल पढ़ रहे हैं इस वक्त फिलहाल, हिंदी, उर्दू और बंगाली। हिंदी में याद रखिएगा कि फादर ऑफ हिंदी पोएट बोलते हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र, फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। किसको बोलते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था हिंदी लैंग्वेज के लिटरेचर में और पोएम में। एक और नाम आपको और मिलेगा इसमें, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक असल में मराठी बाल गंगा तिलक, मराठी भाषा के लिए ज्यादातर ये यूज नाम इनका लिया जाता है कि इन्होंने दो चीजें लिखी थी, एक था मराठा अखबार था एक्चुअली, और एक था केसरी। ठीक है, केसरी जो था वो इंग्लिश, केसरी जो था मराठी भाषा में, और मराठा जो था वो इंग्लिश में था। खैर ये अखबार के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इन्होंने अखबार के अलावा भी बहुत सारे पैम्फलेट और लिफलेट बंटवा कर भी पैट्रियटिज्म को बढ़ाया था। जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे गणेश उत्सव और शिवाजी फेस्टिवल, ये दो चीजों का इनॉग्रेशन कराने का कारण ही यही था कि बाल गंगाधर तिलक अपने मैसेज को पब्लिक तक पहुंचाए, स्पेशली रेवोल्यूशनरीज तक पहुंचाए। जो चापेकर ब्रदर्स का एक इन्वॉल्वमेंट होता है इंडियन सिनेरियो में, उनका एक इंट्रोडक्शन होता है, उनके कारण वे बाल गंगाधर तिलक के यही पैम्फलेट्स और नोट्स थे। खैर वो अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ उस सिलसिले में, जब वहां तक पहुंचूंगा तब करूंगा। एक बार तो सारी चीजें हो नहीं सकती हैं, तो मैं ऐसा ऐसा एक झलक दे जा रहा हूँ ताकि उस वक्त जब वहां पहुंचू तो ऐसा ना लगे कि बिल्कुल नई कोई चीज पढ़ रहा हूँ, या मैं बता रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले एक झलक उसकी मेरे को अवेलेबल थी। इन तीन लैंग्वेजेस के लिटरेचर जो थे वो पेट्रोटिज्म को बढ़ावा देने में काफी कामयाब रहे थे। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्रेस। रोल ऑफ प्रेस, देखिए अखबार में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया वो इंग्लिश का अखबार था, सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बाकी लैंग्वेजेस के अखबार में वो कंट्रीब्यूशन नहीं किया जो कंट्रीब्यूशन इंग्लिश का, या वो पोजीशन नहीं है जो पोजीशन इंग्लिश अखबारों ने किया। अलग अलग अखबारों ने अलग अलग मुद्दों पे फ्रिक्वेंटली लिखना शुरू किया, मतलब गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया। तंग आकर गवर्नमेंट ने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया था,
खैर वहां आते हैं, पहले हम समझे कि क्यों आखिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने की नौबत आई। देखिए जब हम प्रेस एक्ट पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रेस प्रेस अचानक से अच्छी बन गई या बुरी बन गई। अगर हम प्रेस में प्रोटेस्ट की बात करें तो 1823 में सबसे पहला प्रोटेस्ट राजा राम मोहन रॉय ने किया था, एडम्स प्रेस एक्ट बोलते हैं उसको, एडम्स प्रेस एक्ट, एक ऑर्डिनेंस आया था जिसमें कहा गया था कि एक्चुअली इसकी सबसे पहली गाज राम मोहन रॉय के अखबार संवाद कुमोदिनी पे ही पड़ी थी। उन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज कर दिया था गवर्नमेंट को, तो फिर उन्होंने प्रेस पे काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, कहा कि जिनके पास लाइसेंस है वही अखबार छाप सकते हैं, एक नंबर। दूसरा, अखबार छापने के बाद हर एक चीज में राइटर पब्लिशर प्रिंटर सबका नाम लिखना पड़ेगा, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे। एक दो अखबार और इसकी जद में आ गए थे। तो ऐसा नहीं है कि रोल ऑफ प्रेस अचानक से उभरा है, बट उस वक्त पैट्रियटिज्म की कोई बात नहीं थी, उस वक्त फ्रीडम की बात थी कि हमें फ्रीडम, जो अखबार का फ्रीडम होता है वो मिलना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हमारे इंडियन सिनेरियो में इंडिगो रिवोल्ट आता है, रेसिज्म के इवेंट्स चले आते हैं, लिवलीहुड में कमी आती है, जैसे दादाभाई नौरोजी और बाकी एम जी रानाडे और रमेश चंद्र, इन सबके जो बुक्स थी, इनके अपने जो ऑब्जर्वेशन थे, इसकी वजह से कुछ पढ़ने के तबके में, स्पेशली मिडिल क्लास तबके में अवेयरनेस चली आती है। तो ये अवेयरनेस के वक्त के साथ साथ अखबारों ने अपना अपना किरदार बदला, और इनमें से कुछ अखबार ने अपने सर्टेन टॉपिक्स को पकड़ लिया कि इन्हीं टॉपिक्स पे हमको ज्यादातर फोकस करना। ये जो सर्टेन मुद्दे को पकड़ा गया ना, यही थी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए। जैसे ऐसे एक दो अखबार का नाम बता रहा हूं आपको, बंगा दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगा दर्शन लिख, बंकिम चटर्जी ने अखबार एडिट किया जिसका नाम था बंगो दर्शन। एक और था सुलभ समाचार बाई केशव चंद्रसेन। कुछ अखबार और थे, सोम प्रकाश, इनके एडिटर का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, सोम प्रकाश था आपका। एक और नाम था आर्य दर्पण। अब देखिए इन अखबारों ने क्या किया। सोम प्रकाश का सोल मुद्दा यह था कि इंडिगो प्लांटर्स पे जो एट्रोसिटी हुई थी उनकी बात लिखे, इंडिगो प्लांटर्स के बारे में, ठीक है, उनके एट्रोसिटीज। आर्या दर्पण ने क्या किया, इटली के जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके बारे में लिखना शुरू किया, मेजिनी गैरिबाल्डी इन सबके बारे में, रेवोल्यूशनरीज के बारे में, रेवोल्यूशन रीज के बारे में लिखना शुरू। ठीक है, इसके बाद एक और नाम था आपका बंबा बोधिनी, इसके बाद एक और नाम था आपका शिक्षा दर्पण। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेसिज्म के खिलाफ लिखना शुरू किया, रेसिज्म पे हम लोग पिछले वीडियो बना चुके हैं, रेसिज्म के खिलाफ लिखना शुरू किया ना। अब देखिए ये तीन नाम ही अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि अखबारों ने क्या किया, ऐसे मुद्दों को पकड़ा जो ब्रिटिश की रीढ़ की हड्डी थी, इन्हीं मुद्दों पे तो वो चल रहा था। इंडिगो रिवोल्टर्स के, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में जो है आप लिख रहे हैं, इंडिगो प्लांटर्स एक्चुअली कौन थे, ब्रिटिश ही थे। एट्रोसिटीज किस पे हो रही है, इंडियंस पे हो रही है। इन एट्रोसिटीज को देखकर कौन अपने लोगों के खिलाफ खड़ा होगा, इंडियंस खड़े होंगे। आर्य दर्पण में जो हम खड़े हो रहे हैं ना, हमको बगावत करनी है। देखिए इटली में ऑलरेडी बगावत चला, नई लीडरशिप उभर कर आ रही है, नए लोग वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपनी कंट्री को आजाद कराने के लिए या अपनी कंट्री के बुरे वक्त से बचने के लिए। शिक्षा दर्पण ने यह बताया कि ये जो राजपाट चल रहा है यहाँ पर अच्छे दिन, इसमें भेदभाव चल रहा है, आपको आज भी ऊंचे ओहदों पर नहीं रखा जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज में 2:1 का रेशियो बना दिया गया था, पहले ये 1:5 का रेशियो था कि इंडियन 5 यूनिट रहेंगे, मतलब 5 इंडियन पे एक अंग्रेज रहेगा, आजाद गदर की बात हो गया 2 इंडियन पे एक रहेगा। तो ये रेसिज्म ही तो था। भगत सिंह का जो वो हंगर स्ट्राइक चला था किस लिए था, इंडियंस के साथ अलग ट्रीटमेंट, जेल के अंदर जो ब्रिटिश प्रिजनर्स थे उनके अलग ट्रीटमेंट। तो इस तरह से इस रेसिज्म को उजागर किया गया। इंग्लिश में एक और नाम आता है, सबसे बड़ा नाम अगर इंग्लिश में किसी अखबार का आता है, अच्छा ये सारे अखबार लेकिन ये सब बंगाली में थे, ठीक है, ये सारे अखबार बंगाली में थे।
यहां पर देखिए इंग्लिश वाला क्या किया, इंग्लिश में सबसे बड़ा नाम आता है हिंदू पैट्रियट की, हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट, इसके जो एडिटर थे हरीश चंद्र मुखोपाध्याय, हरीश चंद्र मुखोपाध्याय, देखिए हरीश चंद्र ने कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली जो है इंडिगो प्लांटर्स के एट्रोसिटीज को लिखा था, एट्रोसिटीज बाय यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स कंटिन्यू। ये आपके एग्जाम में मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ कि डब्ल्यूबीसी से पूछा है नहीं, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन ये मैंने कहीं से किसी एग्जाम में देखा है कि वो कौन सा अखबार था जो कंटिन्यूअसली लिख रहा था इंडिगो प्लांटर्स पे। ये सबसे पहले भी जिसने लिखा था वो हिंदू पैट्रियट ही था। हरिश्चंद्र की मौत के बाद कृष्ण पाल ने ये चार्ज लिया एडिटरशिप का। इसी सिलसिले में एक नाम और उभर कर आएगा, आपको वो नाम मिलेगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक जर्नलिस्ट भी थे, इन्होंने अखबार भी एडिट किया था, उस अखबार का नाम था द बंगाली। द बंगाली बहुत सारे अखबार थे, इसमें ऐसा नहीं कि एक ही अखबार चल रहा है, द बंगाली के नाम से कई अखबार चले, कई एडिटर आपको मिलेंगे, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बंगाली किसी और ने लिखा था और किसी और ने किया था। चाहिए देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में, तो बंगाली के एडिटर थे ना, 1883 में प्रोबेबली, ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, देखिए 1883 का एक बड़ा मशहूर वाकया था, एक बड़ा मशहूर किस्सा था कि एक बंगाली फैमिली में एक मूर्ति निकल जाती है, फैमिली में कुछ डिस्प्यूट होता है कि ये आइडल की उम्र कितनी है, एज कितनी है, ऐसा कुछ एक डिस्प्यूट होता है, एक मूर्ति रहती है। अब उस मूर्ति के ऊपर एक केस होता है, वो केस कैलकटा हाई कोर्ट में जाता है जस्टिस नॉरिस के हाथों में। जस्टिस नॉरिस ने क्या किया, इस मूर्ति को पहले कोर्ट में बुलाया और बोला कि ये मूर्ति हार्डली 100 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। अब ये जो चीज मूर्ति को लाया गया, एक्चुअली ये किसी देवी की मूर्ति थी, इस मूर्ति पे बंगालीज का सेंटिमेंट हर्ट हो गया कि ये जो नॉरिस है इसने उसको डेरोगेट किया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस चीज को काफी क्रिटिसाइज किया, इवन जाफरी एंड सरोग्स ऑफ इंग्लैंड, नोटोरियस जाफरी एंड सरोग्स, दो 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में जज हुआ करते थे, काफी बदमाश थे, तो उससे कंपेयर कर दिया नॉरिस को। नॉरिस ने क्या किया, इस चीज को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को एक समन कर दिया, 5 जजेस बेंच के आगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इस 5 जजेस बेंच में 4 अंग्रेज थे और सिर्फ एक इंडियन था। इस एक अंग्रेज, ये एक इंडियन का नाम था रोमेश चंद्र मित्रा, ठीक है, रोमेश चंद्र मित्रा ये जस्टिस थे आउट ऑफ द 5 जजेस। नाउ ये रोमेश चंद्र मित्रा ने इकलौता डिसेंट किया था, कहा कि नहीं इसके लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, जबकि चार लोगों ने, चार अंग्रेज ने, एक्चुअली प्रिजुडाइज सारी चीजें थी, तो ऐसा कुछ है नहीं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, पहले ही से प्लान है यार, जस्टिस हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। तो रमेश चंद्र मित्रा इकलौता इंडियन जज थे उस पैनल में, और उन्होंने कहा था कि इनको जेल नहीं होनी चाहिए। हाउएवर इनको 2 महीने की जेल हुई थी, फॉर दैट पर्टिकुलर कारण ये फर्स्ट जर्नलिस्ट टू गो टू जेल, कब हुआ था, 1883 में। तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जेल कब गए थे, या फर्स्ट, ज्यादातर चांसेस जो है कि फर्स्ट जर्नलिस्ट जो अपना काम करने की वजह से जेल गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
ये कुछ किरदार था जो हमारे यहाँ अखबारों ने प्ले किए थे। इसके अलावा और भी अदर लैंग्वेजेस के अखबार थे, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। क्रैश कोर्स में हम लोग वैसे भी, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा बोल दे रहा हूँ, बट थोड़ी क्लैरिटी चाहिए इसलिए मैं इस चीज को कंटिन्यू कर रहा इसी तरह। तीसरा जो सबसे बड़ा किरदार प्ले करता है वो था ड्रामा। अच्छा एक चीज और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि एक एक एक्ट आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, इस वक्त जो गवर्नर जनरल या वाइस गवर्नर जनरल वाइसरॉय जो थे उसका नाम था लॉर्ड लाइटन। ठीक है, 78 के पीरियड में हुआ क्या, एक तो इंडिया में बहुत बड़ा फेमाइन आया हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ जाना जिसको बोलते हैं। दूसरा सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी थी, जो लॉर्ड लाइटन की पॉलिसी थी इसमें अफगान वॉर इनवाइटेड था कि होगा ही होगा वो। इन दोनों कंडीशन में पैसा बर्बाद हुआ, यहाँ पे जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा था, ठीक है, लॉर्ड लाइटन को बजाय कि इस पैसा को फरमाइन पे यूज करने के, उसने क्या किया, एक दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करा दिया। ये दिल्ली दरबार में ऑर्गेनाइज करने का मेन मकसद क्या था, इम्प्रेस ऑफ हिंदुस्तान, इम्प्रेस ऑफ हिंदुस्तान, बहुत से बुक में आपको इंडिया मिलेगा बट एक्चुअल था इम्प्रेस ऑफ हिंदुस्तान, उस वक्त ब्रिटिश हिंदुस्तान ही बोलते थे इसको। ये टाइटल क्वीन को देना था। अब देखिए ये टाइटल देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इन फरमान पे काम करना इंपॉर्टेंट है, ये इंडियंस को अच्छा नहीं लगा। दिल्ली दरबार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि टोटल 3 बार दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किए गए थे। नंबर वन 1877 में, ठीक है 78 में ये एक्ट आया था, 1877 में, दूसरा 1903 में और तीसरा 1911 में। ठीक है, ये 3 ऐसे पीरियड थे जिसमें दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था। ये तो आप सभी जानते हैं कि इसमें बंगाल का जो विभाजन हुआ था, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसको एनल कर दिया गया था, ये 3 बार हुआ था इसमें इंप्रेसिव। अब इंडियंस को ये चीजें बहुत खराब लगी और इसी के अगेंस्ट में अखबारों ने काफी क्रिटिसाइज करना शुरू किया। तो लॉर्ड लाइटन ने कहा था इस वक्त कि थ्रू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कोई भी अखबार जो जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगा वो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं छपेगा। इंग्लिश के अखबार के लिए इस प्रेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन हिंदी उर्दू या कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में अगर कोई अखबार छपता है तो उसके कंटेंट को पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल दिलानी पड़ेगी फिर छपेगा। इसमें दो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका बंगाली एज वेल एज इंग्लिश दोनों में इशू हुआ करती थी। सबसे पहले 1868 में ये अमृत बाजार पत्रिका जयसोर से इशू हुई, लेकिन 1878 में इसने रातों रात अपना जो पब्लिकेशन था उसको इंग्लिश में कर दिया, बंगाली वाला बंद कर दिया। जब इंग्लिश में कर दिया तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के दायरे में वो आया ही नहीं, अपने काम को स्मूथली करने लगा। दो अखबार और थे इसके साथ, एक का नाम था सोम प्रकाश, ये भी बंगाली एज वेल एज इंग्लिश में थे, और एक और नाम था साधरानी। ये तीनों अखबार ने सडनली अपने आप को बंगाली से हिंदी में कन्वर्ट किया। अमृत बाजार पत्रिका बाइलिंगुअल था, सोम प्रकाश बंगाली में था, साधरानी बंगाली में था। इन लोगों ने अपने आप को सीधा इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया ताकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जद में हम ना रहे। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट में उस वक्त जितने भी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन थे, चाहे मद्रास महाजन सभा हो, पूना सार्वजनिक सभा हो, ठीक है, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो, इन सब ने मिलकर प्रोटेस्ट किया अंडर वन कॉमन बैनर। उस बैनर का नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर मिस्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन ने क्या किया, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और एक मीटिंग रखी गई कोलकाता के कैलकाटा के टाउन हॉल में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय।
मीटिंग ये रखेंगे कि हम गवर्नमेंट के इस एक्टिविटी के अगेंस्ट में पार्लियामेंट में कंप्लेन करेंगे। मैंने कहा ना कि हम उस वक्त अपने आप को पूरा ब्रिटिश ही मान रहे थे, ब्रिटिश सिटीजन। वी आर इंडियन बाई रेस बट वी वर इंडियन, तो वी वर ब्रिटिश बाई सिटीजन। तो यहां पर इन लोगों ने क्या किया, एक मीटिंग रखी कि हम किसी तरह से गवर्नमेंट के इस एक्ट के खिलाफ जाकर बात करेंगे। और इस एक्ट के खिलाफ जाने के लिए इन्होंने मिस्टर लाल मोहन घोष, को एक लेटर लिख कर दिया ताकि ये लंदन में जाके पार्लियामेंट में सुनाई। वॉज अ ग्रेट ऑरेटर लंदन में, इन्होंने वहां के जो पार्लियामेंटेरियन थे उनको कन्विंस करने में कामयाबी हासिल करी। लंदन में भी इससे रिलेटेड जो ये एक्ट था, एक प्रोटेस्ट चला लंदन में, और उस प्रोटेस्ट का जो सेंटर था वो था जनेंद्र मोहन टैगोर, का घर। इनके घर में सारी मीटिंग हुआ करती थी, वहीं लंदन में प्रोटेस्ट चलती थी। हाउएवर ये एक्ट इंडियंस के पेट्रोटिज्म को या उनकी उभरती हुई आवाज को दबाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। इंडियन ने इस चीज का पूरा फायदा उठाया, या इंडिया को इस चीज का पूरा फायदा हुआ, और पेट्रोटिज्म बहुत बड़े लेवल पे इससे फैली। उस वक्त तक और भी एक बड़ा चेंज आ गया था कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस बहुत ज्यादा बनने लगे थे, तो उन्होंने भी कुछ रोल प्ले किया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का या अखबारों का रोल था, हर एक का रोल एक जगह जाके जब हम जमा करके देखेंगे तो पता लगेगा क्यूमुलेटिव था, कोई आइसोलेटेड वे में काम नहीं कर पा रहा था, सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे थे ताकि दूसरे जो भी सोर्सेज है उनको उनके जरिए काम कराया जाए। पेट्रोटिक जो टेक्स्ट थे, जो लिटरेचर थे, वो पब्लिक को उभार रहे हैं ताकि पॉलिटिकल एसोसिएशन को ज्वाइन करें, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को ज्वाइन करें। पॉलिटिकल एसोसिएशन इसलिए अपनी बात को रख पा रहे क्योंकि अखबार उनकी बातों को छाप रही है, पब्लिक उसको पढ़ रहे हैं, यूथ उसको समझ रहा है। उस वक्त डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी के लिए डिमांड था, जो हम कांग्रेस पढ़ेंगे तो समझेंगे कि बेसिक फर्स्ट 20 ईयर में कांग्रेस का डिमांड क्या था। और इसी तरह से एक दूसरे के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं, या एक दूसरे के ऊपर हर एक का अपना अपना एक रोल डिपेंडेंट है, कोई भी आइसोलेटेड काम नहीं कर रहा। तीसरा जो चीज था वो था ड्रामा, या बोल सकते हैं थिएटर। इसमें जो हम लोग को जो पढ़ना है वो है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट,1876, द सेम गाय लॉर्ड लाइटन। इसने क्या किया, देखिए ड्रामा आज भी अगर हम लोग ज्यादातर बॉलीवुड की मूवीज में मैनिपुलेशन कर दिया जाता है, हिस्ट्री के साथ डिस्टोर्शन होता है, अदरवाइज अगर उसमें थोड़ा सा डिस्टोर्शन ना करे तो हम बॉलीवुड की मूवीज के जरिए बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं तो उसमें देखी हुई चीज सबसे ज्यादा याद रहती है, सबसे ज्यादा असर डालती है हमारे ऊपर। तो ड्रामा जो किया गया, परफॉर्मेंस जो थिएटर में किया गया, वो भी बहुत ज्यादा असर डालती थी। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या किया था, मिस्टर मुस्तफी जो इंडियन थे सिर्फ उनपे इसलिए चप्पल चलाकर मार दिया था क्योंकि वो एक्टिंग कर रहे थे मिस्टर रोक का, उनको उनकी एक्टिंग से इतना ज्यादा मतलब गुस्सा आया, वो भूल गए कि यार वो एक्टिंग है। उनको ये लगा कि ये रियली कोई फिरंगी है या अंग्रेज है जो इंडियन पे जुल्म कर रहा है। ये जो भावना थी ना जगाने की, ये थिएटर ने बहुत बड़ा किया। इस सिलसिले में सिर्फ अपने को ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट पढ़ना है। हुआ ऐसा कि प्रिंस ऑफ वेल्स 1876 में इंडिया, 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है इंडिया आया, और यहां पर एक जमींदार था जिसका नाम था जगदानंद। उसने कैलकटा में मतलब जो लेविशिंग पार्टी होती है ना, वो पार्टी रखी उस प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए। अब इस चीजों को रिडिक्यूल करने के लिए एक नेशनल थिएटर बोल के थिएटर हुआ करता था कैलकटा में, उस वक्त का सबसे बड़ा थिएटर था, काफी रिनाउंड था। इसके जो डायरेक्टर थे उपेंद्र नाथ दास, और इसके जो मैनेजर थे अमृत लाल बासु, उपेंद्र नाथ दास और अमृत लाल बासु, ये दो लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते। इन्होंने एक ड्रामा चला दिया जिसका नाम था, देखिए जगदानंद एक्चुअली उसका नाम था, उसका नाम रखा गजानंद एंड युवराज, प्रिंस नहीं, युवराज, गजानंद एंड युवराज, नाम को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया ताकि
कंट्रोवर्सी ना हो, और ये ड्रामा चला दिया 19 फरवरी 1876 को। प्रॉब्लम ये रही कि इस ड्रामा के अगेंस्ट में जाकर पुलिस में किसी ने कंप्लेन किया, डेफिनेटली ब्रिटिश ने किया था, पुलिस आई, ड्रामा को बंद करा। इस ड्रामा को फिर से प्ले कराया गया हनुमान चरित्र के नाम से, पुलिस फिर आई, फिर बंद करा दी। 1875 में ऑलरेडी एक ड्रामा हुआ था सुरेंद्र विनोदिनी, ये ड्रामा सक्सेसफुल रहा था, इन लोगों ने बिल्कुल हटकर ये ड्रामा प्ले करने की कोशिश करी फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बार बार पुलिस आ जा रही है, पुलिस फिर से आई, इवन डेप्यूटी कमिश्नर को आना पड़ा यहाँ पर, डेप्यूटी कमिश्नर आके इसको रोका और इन दोनों को अरेस्ट करके ले गया। ले जाने के बाद जो कोर्ट था अमृतलाल बासु को और उपेंद्र नाथ दास को एक महीने की सजा सुना देता है। बहरहाल इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया और अपील करने के बाद इन लोगों की सजा माफ हो जाती है। लेकिन ये जो बंगाली कम्युनिटी थी हमारे यहाँ पे, जो उस वक्त इंडिया को बोल सकते हैं लीड करने की शुरुआत कर रही थी, आगे जाकर एक लंबे पीरियड तक लीड करने वाली होगी, इस कम्युनिटी को ये एक्ट बिल्कुल गंदा लगा कि आप हर चीज में इंटरफेयर कर रहे हैं, इवन आप ड्रामा तक को रोक रहे हैं। इसी में ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट पास करा दिया गया गवर्नमेंट के जरिए, जिसमें बोला गया कि कोई भी थिएटर जो भी ड्रामा परफॉर्म करेगी पहले उसको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो या क्राउन के अगेंस्ट में कही जाए। अब ये रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा थी क्योंकि देखिए इसी वक्त में अखबार काम कर रहा है, लिटरेचर काम कर रहा है, कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन थे जो हम बाद में पढ़ेंगे वो भी काम कर रहे हैं, सब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, थिएटर क्यों ना करें भाई। तो इसमें फिर से सबसे बड़ा नाम उभर कर आता है, वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने क्या किया, चार बड़े शहरों में घूम घूम कर, इनका इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, चार बड़े शहरों में घूम घूम कर इन्होंने इस ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों को उकसाया, लोगों को राजी कराया, प्रोटेस्ट हुआ। ये चार बड़े शहर थे, कानपुर, अलाहाबाद, लखनऊ और खुद कैलकटा, लोगों ने यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट किया। बहरहाल इन सबका नतीजा ये हुआ कि बजाय गवर्नमेंट के जो भी मंशा रही थी कि किसी तरह से इंडियंस की आवाज दबाई जाए, आवाज दबने के बजाय इंडियन की आवाज बढ़ने लगती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में पॉलिटिकल एसोसिएशन के क्लास होंगे। थैंक यू।